नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं वास्तु के तरीके से पितरों की तस्वीर किस दिशा में होनी चाहिए। घर में जो हम अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाते हैं तो किस दिशा में होनी चाहिए, ये वास्तु के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी चार मुख्य दिशाएं हैं और चारों दिशाओं के चार कोने हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण। तो जो आपका नैऋत्य कोण है और दक्षिण दिशा है, वहाँ पे पितरों की तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अपने मंदिर में, जहाँ भी आपने अपना मंदिर बना रखा, पूजा स्थल घर में बना रखा है, प्रायः पूजा स्थल भी आपका घर में होना चाहिए पूरब या उत्तर, और इन दोनों दिशाओं से सर्वोत्तम होता है ईशान कोण, जो पूरब और उत्तर का कोना होता है। यदि यहाँ आपका पूजा स्थल है तो समझिए कि सर्वोत्तम है, यह है पूजा के लिए अति उत्तम। इसको ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में भगवान शिव जी का वास होता है। अब हम बात करते हैं कि आप की जो पितरों की तस्वीर है वो कभी भी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है, और परब्रह्म परमात्मा के समक्ष वहाँ आपके पितरों की तस्वीर तो होनी ही नहीं चाहिए। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ मैं एक ये बता दूँ कि आप अपने पितरों की तस्वीर तो अवश्य टांगें और उनकी पूजा करें। कहने का तात्पर्य कि आप अपने पितरों की पूजा अवश्य करें। जैसे कि भगवान की पूजा तो पूरा भूमंडल संसार करता है, लेकिन किसी के पितरों की पूजा कोई अन्य नहीं करेगा। आपके पितरों की पूजा आपको करनी होगी। जिसके जो पितृगण होंगे वो अपने पितरों की पूजा करेंगे। किसी के पितरों की पूजा कोई अन्य व्यक्ति नहीं करता और नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम ये बताऊं कि आप अपने पितरों का पूजन करें और दैनिक रूप से उनकी तस्वीर के समक्ष आप नमन करें, उनसे आशीष लें। उसके अलावा आप बृहस्पतिवार के दिन विशेष, अमावस्या के दिन विशेष, ये पितरों का ये विशेष दिन होता है और ये विशेष अमावस्या तिथि होती है। यम की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। यम की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा है। तो पितरादि गण जो होते हैं या तो स्वर्ग में होते हैं या फिर यमादि लोकों में होते हैं। तो यम की जो दिशा है दक्षिण दिशा है, तो पिता मतलब पितरों की जो तस्वीर है वो दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। अब वो दक्षिण दिशा आपकी जहाँ भी है उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे घर से निकलते और घर में प्रवेश करते, वह तस्वीर आपको बिल्कुल डायरेक्ट ना निकलते समय दिखे, ना आपको घुसते समय दिखे, थोड़ा सा दाएँ बाएँ हो वो चलेगा। किचन आदि में नहीं होनी चाहिए और आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आप ध्यान दें, लेकिन दक्षिण दिशा में आप अपनी तस्वीर पितरों की टांग सकते हैं। कदाचित यदि आपके पास जगह नहीं है तो फिर एक दिशा आपकी और चलेगी, वो है नैऋत्य कोण। वो भी दिशा में आप अपने पितरों की तस्वीर टांग सकते हैं। और पितरों की पूजा आप अवश्य कीजिए। पूजा का मतलब ये नहीं कि डेली जो आज जैसे भगवान की आप पूजा करते हैं वैसे ही करें। बस आप उनकी तस्वीर को नमन कीजिए। उनकी तस्वीर में कभी आप धूप आदि दिखा सकते हैं। अमावस्या के दिन जो आप उनके निमित्त जो निकालते हैं उसे आप निकालें। बृहस्पतिवार के दिन खासकर आप आभार व्यक्त करें। और पितरों के लिए जो दीप आप प्रज्वलित करें वो घी का नहीं, वो तेल का दीप होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप पितरों के प्रति जरूर करें। तस्वीर के विषय मुझे खास करके बताना था कि वास्तु के हिसाब से पितरों की जो तस्वीर आप लगाएं वो लगाएं दक्षिण की दिशा में। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ों का आप ये ध्यान दें कि वो तस्वीर पूरी दीवार से चिपकी हुई अच्छे से होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, या फिर वो नीचे किसी ऐसी स्थिति में हो कि वो तस्वीर अच्छे से रखी हो। इसका आप जो है विशेष ध्यान दें।
और इससे आपको जो है सकारात्मक फल प्राप्त होंगे, उनका आशीष विशेष प्राप्त होगा और उनकी कृपा आप निश्चित तौर से प्राप्त करेंगे। तो बस मुझे इसके विषय में बताना था, आज इतना ही। नमस्कार।